हाय दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जैनेन चतुर्वेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे इसमें अपने एक व्यूअर हैं अजीत जी करके, है ना, उनका इसके लिए क्या है कमेंट आया हुआ था कि इस पर वीडियो बनाइए आप, है ना। तो आज हम देखेंगे किस टॉपिक पे उन्होंने कहा था, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई बिल। मतलब कि क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का काम होगा ना उसमें जो मटेरियल आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, है ना, पहली बात। और जो सप्लाई बिल लगेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आइटम की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जब सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियल की, क्लियर ना। तो देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक यहाँ पर है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका क्या है वेंडर है, ठीक है, कोई जो वेंडर अप्रूव्ड है, ठीक, यहाँ पर आपका हुआ ये वेंडर। वेंडर के बाद क्या होगा, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का, मान लीजिए क्या स्टोर, ठीक है, ये क्या हो गया कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का स्टोर, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का स्टोर। अब देखिए क्या करेगा, मान के चलिए जब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी है वो क्या करेगी, मटेरियल के लिए क्या करेगी, परचेस ऑर्डर लगाएगी, है ना। तो वेंडर क्या करेगा, मटेरियल को कहां पर भेजेगा, स्टोर पर भेजेगा। तो वो किसके माध्यम से भेजेगा, यहां पर ये मान लीजिए एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये रोड बनी हुई है और ये मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए रोड के माध्यम से आएगा, और ये यहां पर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, क्या ये एक ट्रक का शेप आप समझ लीजिए, यहां पर ये और ये खुला हुआ इतना, ठीक है, ये एक पूरा क्या है, ये आप एक तरह से इसको ट्रक समझ लीजिए। तो ये क्या होगा, ट्रक से मटेरियल क्या होगा, जो भी मटेरियल परचेस किया जा रहा है वो ट्रक के द्वारा क्या होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होके कहां पहुंचेगा, रोड के माध्यम से स्टोर पहुंच जाएगा। इतना तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या होगा भाई, ये मटेरियल जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके लिए क्या होगा, पहला जो पॉइंट होगा उसमें क्या करेगा क्लाइंट, क्या करेगा क्लाइंट, एक डीआई इशू करेगा, क्या इशू करेगा डीआई, किसको डीआई इशू करेगा क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को, किसको करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को। अब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, इस डीआई के माध्यम से, ठीक है ना, वो क्या करेगी, जो वेंडर है, वेंडर को क्या डीआई में कितने दिनों के अंदर मटेरियल क्या है स्टोर पर पहुंचना चाहिए, 21 दिनों के अंदर मान लीजिए आपकी डीआई पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है इसने वेंडर को ये दे दिया कि हाँ भाई हमें मटेरियल चाहिए, तो अब ये मटेरियल क्या होगा 21 दिन के अंदर इसके स्टोर पर पहुंचना चाहिए, है ना। अगर नहीं पहुंचेगा तो उसके लिए क्या है, फिर से डीआई एक्सटेंड करवानी पड़ेगी। इतनी तो चीज हुई। आप देखिए इसका जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, मान के चलिए वेंडर ने ये क्लाइंट ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के स्टोर पे मटेरियल पहुंचा दिया, तो वहां पर क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जो कोई ये भाई, अगर देखो कोई भी मटेरियल पहुंच रहा है हवा में तो कोई काम होता नहीं है भाई, कि बोल रहे यार ठीक है पहुंच गया, बरवली तो कोई चीज चलती नहीं है। तो पहला जो डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी टैक्स इनवाइस, ठीक है। टैक्स इनवाइस में क्या क्या रहेगा, मतलब उसमें रहेगा जीएसटी इनवाइस नंबर रहेगी, और किस डेट को वो डिस्पैच हो रहा वो रहेगा, और भी उस पर डिटेल रहेगी। इसके अलावा क्या रहेगा, जो भी मटेरियल परचेस किया जा रहा, मान लीजिए ट्रांसफार्मर परचेस किया जा रहा, तो ट्रांसफार्मर का नाम, कितनी क्वांटिटी, उसका कितना जो है क्या रेट है, और टोटल रेट कितना है, है ना, वो जो वेंडर और ये केवल किसके बीच होगा, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के बीच की वो बात है, है ना, उसमें क्लाइंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इतनी चीज हुई ना। तो पहला जो डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ेगी वो टैक्स इनवॉइस, दूसरा क्या चालान कॉपी, चालान कॉपी, है ना। तो आजकल क्या है, इनवॉइस कम चालान भी बनने लगी है जीएसटी के बाद, है ना। तो दूसरा क्या जरूरत पड़ेगी, चालान कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या होगा भाई, पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट में क्या होगा, जो भी मटेरियल है उसका ओवरऑल डिटेल दिया रहेगा कि ये मटेरियल, जैसे पैकिंग लिस्ट में मान के चलिए अगर ट्रांसफॉर्मर है उसमें भी वही चीजें लिखी रहेंगी, इनवॉइस नंबर, चालान नंबर ये, और इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी, है ना, पूरा एक ऐसा ये एक पेपर टाइप का रहेगा, उसमें पूरी डिटेल मेंशन रहेगी। अब अगर पैकिंग लिस्ट और कब जब इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप कंडक्टर परचेस कर रहे हैं,
केवल परचेस कर रहे हैं, है ना, तब इस केस में क्या होगा, इसकी जो पैकिंग लिस्ट की है वो ज्यादा जरूरत होती है। उसमें क्या होगा, क्योंकि उसके आइटम जैसे मान के चलिए केवल आ रही ड्रम में आएगी, एक ड्रम में 500 मीटर केवल आ रही है, दूसरे ड्रम में 500, अब मान लीजिए 13 किलोमीटर की केवल टोटल ऑर्डर हुआ है, तो भाई उसकी डिटेल कहां पर आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी, पैकिंग लिस्ट में मिल पाएगी। उसमें दिया होगा ड्रम नंबर इतना, कितने मीटर की केवल है, 450 या 500 मीटर है, किसी ने दूसरे ड्रम नंबर दिया होगा कुछ भी, मान लीजिए 4231 में कितनी है, 490 मीटर है, तो इस तरह से पूरा एक क्या होगा 13 किलोमीटर का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। इसलिए क्या होता है, पैकिंग लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी, गारंटी सर्टिफिकेट, है ना। यहाँ पर क्या चौथा जो पॉइंट होगा, गारंटी सर्टिफिकेट, मतलब क्या होगा, जो वेंडर होगा ना वो एक क्या करेगा, गारंटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कि हाँ भाई ये जो हम मटेरियल दे रहे हैं अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम इसको 12 महीने एक डिफेक्ट लाइबिलिटी टाइप का आप मान लीजिए, है ना, कितने दिनों के हम अंदर इसको आपको क्या करेंगे, इसकी गारंटी मतलब क्या है, उसको हम आपको बदल के देंगे, क्लियर ना। तो वो क्या करेगा, गारंटी सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलिए बरवली बात हो तो उसका तो कोई महत्व तो नहीं है ना भाई, तो इसलिए क्या होता है, एक रिटर्न में पूरा कम्युनिकेशन होता है। ये ध्यान रखिए, जब भी प्रोजेक्ट के काम हो या कोई भी वर्क हो, आज के समय में रिटर्न वर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, कागजी प्रक्रिया का महत्व है, बाकी अगर आप बरवली कोई बात करेंगे उन सब बातों का कोई महत्व तो नहीं। तो ये चीजें हो गई, तो इतनी क्या है, इन चीजों की विशेष रूप से क्या होती है, अगर कोई भी मटेरियल आ रहा तो इन चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ये तो हमने समझ लिया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियल। अब मान के चलिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सप्लाई बिल का, अब इस तरह से क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये जो भी ये चीजें दी हुई है, मतलब क्या, टैक्स इनवॉइस, चालान कॉपी, पैकिंग लिस्ट, गारंटी सर्टिफिकेट, इसके आधार पे जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के स्टोर में डंप हो रहा है, इसके आधार पे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का बंदा वेरीफाई कर ले कि हाँ ये क्वांटिटी, इतनी इतनी क्वांटिटी अपने स्टोर में आई है या नहीं है, है ना। वहां पर जो स्टोर इंचार्ज होगा वो इन सब चीजों को वेरीफाई करता। इसके बाद क्या होगा, जो थर्ड पार्टी का बंदा होगा और क्लाइंट का डी लेवल का जो भी नोडल ऑफिसर होगा वो, और इसके अलावा क्या, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का एक इम्प्लॉय, वो तीनों क्या करेंगे, ज्वाइंट वेरिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ भाई स्टोर में इतना इतना मटेरियल आया या नहीं आया। अब इतनी चीजें जब क्लियर होगी, हमने किसका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियल का देख लिया, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं किसका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सप्लाई बिल, है ना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सप्लाई बिल। अब इसके लिए देखिए क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के स्टोर में मटेरियल आ गया है, ठीक है ना, तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसकी एमआरसी काटनी पड़ेगी, है ना, मटेरियल भाई कितना आया। एमआरसी क्या है, इसका मतलब है मटेरियल रिसिप्ट सर्टिफिकेट, है ना, कुछ जगह पे एमआरसी काटनी पड़ती है। एमआरसी क्या, एक पेज होगा, उस पे आपका क्या मटेरियल का नाम लिखिए, कितनी क्वांटिटी है, उसका चालान नंबर, डीआई नंबर, मतलब पहले डीआई नंबर होगा इसका, यहाँ पर ये समझ लीजिए पहले डीआई नंबर, फिर टैक्स इनवॉइस नंबर, चालान नंबर, है ना, वो चीजें होंगी, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कोई डिफेक्ट क्वांटिटी, कितनी गुड क्वांटिटी है, कितनी डिफेक्ट क्वांटिटी है, अगर कोई रिमार्क है, और फिर यहाँ पर तीन अधिकारियों के साइन के लिए रहेगी, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के बंदे का साइन, इसके बाद पीएमए का जो बंदा होगा, और इसके बाद आपका क्या है डीजीएम लेवल का अधिकारी अगर नोडल ऑफिसर है तो उसके साइन का, तीनों ये अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये चीज वहां पर जो इनके स्टोर में मटेरियल आया वो ओके कंडीशन में। हम जहां पर काम कर रहे थे वहां पर क्या था, एमआरसी काटी जाती, कुछ जगह पे क्या होता है जेवीआर होता है, ज्वाइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनती है, उसमें भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का पीएमए का बंदा और गवर्नमेंट का ए या जे लेवल का ऑफिसर रहता है, डिपेंड करता है सब जगह की अपनी अलग अलग कंडीशन है। तो अब एमआरसी जब कट गई भाई, मतलब ये हो गया कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर के स्टोर में मटेरियल आ गया है, ठीक है, तो दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी, उसी तरह से बांध के चलिए बिल लगना है, तो बिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पहली तो एमआरसी की जरूरत होगी, फिर दूसरा होगा टैक्स इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी, तीसरा जो आपका पड़ेगा जरूरत चालान कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चौथा जो आपका जरूरत होगा वो होगा पैकिंग लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद आपकी जरूरत पड़ेगी गारंटी सर्टिफिकेट की, है ना, इसके अलावा आपकी जो जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की जरूरत होगी, है ना, कंपनियां क्या है इंश्योरेंस करवाएंगी, उनका क्या है वो क्लाइंट लेवल से ही
जहाँ पर उनको टेंडर मिलता वहीं से वो चीजें इंश्योरेंस पूरा बन जाता है कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपके इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आपको इतना वो करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस का होगा। और इसके अलावा जो लास्ट होगा वो इंटीमेसी बॉन्ड है ना, इंटीमेसी बॉन्ड, उसमें क्या अगर कोई मटेरियल आपका क्षतिपूर्ण होता है तो एक बॉन्ड टाइप का करवा लिया जाता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना भाई। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट हर चीज को वो तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्लाइंट क्या करता है ये पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा कि अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो भाई आपने बॉन्ड किया हुआ है, आपकी बिजी जमा होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम तो केवल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। अगर सप्लाई बिल का है तो क्या क्या है, एमआरसी, टैक्स इनवाइस, चलान कॉपी, आजकल इनवाइस कम चलान भी बनने लगी है, पैकिंग लिस्ट है ना, इसके अलावा आपका पैकिंग के बाद गारंटी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस कॉपी और इंटीमेसी बॉन्ड, इतनी चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो भी है सप्लाई बिल हो या आपका क्या डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल का डॉक्यूमेंटेशन या सप्लाई बिल जब भी अरेज किया जाता है उसका जो है क्या डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई बिल का और मटेरियल का कैसे करें ये आपको समझने में आसानी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।